देखते हुए आ रहे हैं और ऑलरेडी अर्ली लॉसेस, और याद दिला दे पावर प्ले चल रहा है तो ये एक अच्छी खबर बिल्कुल भी नहीं है। और टीम गॉडलाइक के खिलाफ आप पहुंचे टीम एंटिटी भी। वह तीन टीमें इस जगह पर हैं, थोड़ा सा पीछे आपको ओरैंगुटान नजर आएगी जो इनफैक्ट मूव कर रही है, बट एडमिनो स्टार्ट किया, एक्विनॉक्स को डाउन किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉक है। एक्विनॉक्स जैसा खिलाड़ी आपकी टीम का रथ रोक सकता है, आपकी टीम का मोमेंटम रोक सकता है, तोड़ सकता है, और एक्विनॉक्स को डाउन करना एडमिनो के लिए, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के लिए अच्छी बात है। बहुत ज्यादा दबाव में है टीम एंटिटी इस समय, यहाँ पे प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा किसी तरीके से टाइम बाय करने के लिए ताकि वो रिवाइवल की प्रक्रिया शुरू हो सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली एडमिनो एक और नॉक निकाल लेंगे और टीम एंटिटी दो खिलाड़ी ऑलरेडी डाउन है। पुश आता हुआ, चलिए ट्रेड तो निकला, ट्रॉय वापस से जीवित होके यहाँ पे फिनिशेस निकाल रहे हैं। एडमिनो भी खत्म हो चुके हैं, सोमराज की तरफ से वापस से वो कार्रवाई देखने को मिली, बट फॉर्म किसी तरीके से यहाँ पे पूरा जिम्मा संभालना चाह रहे हैं। एक्विनॉक्स आए बट पीछे से यहाँ पे देखिए शॉट पड़ा, वो शॉटगन का फ्लिक एंड अब टीम गॉडलाइक इनके तारे भी गर्दिश में। एक्विनॉक्स वापस से उसी समय जीवित होकर के आए हैं जब सबसे ज्यादा टीम को जरूरत थी, उनको रिवाइवल मिला, उन्होंने फाइट ली, हालांकि अब बचा एक खिलाड़ी हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक का, और उनके सामने तीन एंटिटी के प्लेयर्स, एक्विनॉक्स एक बहुत बेहतरीन फ्रैगर, उनके सामने सोमराज, उनके साथ ट्रॉय, लेकिन जोनाथन एक ग्रेनेड जरूर करेंगे। ट्रॉय की एचपी थोड़ी सी कम हुई, एक लौते खिलाड़ी को इस समय फाइट लेनी पड़ेगी, फाइटिंग के लिए उनके पास है क्यूबीसी, क्यूबीसी में 30 गोलियां, लेवल 1 हेलमेट, लेवल 2 वेस्ट, एक मोलोटॉव। ये इन्होंने अपने बुरे सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा एक ड्रॉप क्लैश होगा एंड भारी पड़ गया। जिस फाइट की शुरुआत टीम गॉडलाइक ने लाजवाब तरीके से करी थी, टीम एंटिटी ने जवाबी कार्रवाई उतनी बेहतरीन तरीके से करी है। अब तीन बनाम एक की परिस्थिति है, जोनाथन इनके पोजीशन के बारे में वाकिफ हो चुके हैं एंटिटी के खिलाड़ी, ट्रॉय काफी ओपन में थे, बट आप देखिए फर्स्ट एड बिल्कुल भी मौजूद नहीं है यहाँ पे, और पीछे से लग रहा है एक और टीम आ रही है, टीम एक्सपाक आ रही है बिल्कुल उसी जगह पर फाइट लेने के लिए। एंटिटी के खिलाड़ी को दिक्कतें दी जा सकती है, एक्विनॉक्स को डाउन किया जाएगा, लेकिन सोमराज पहुंचे एंड इंस्टेंटली खत्म करा एक उजी का इस्तेमाल करके हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के जोनाथन को, बट एंटिटी के पास क्या ब्रीथिंग टाइम है, क्या एक्विनॉक्स को दूसरी बार रिवाइव मिल सकता है, क्योंकि टीम एक्सपाक धावा बोलने हमला करने पहुंची है एंटिटी पे। देखना ये जरूरी रहेगा कि कितना लूट है टीम एक्सपाक के पास, क्योंकि उतरे ही थे, व्हीकल्स मिला था, बेसिक लूट के साथ आए हैं। टीम एंटिटी ऑलरेडी हॉट चल रहे हैं मोमेंटम के साथ, बट एक्विनॉक्स के पास भी वो पर्याप्त नो डाउट है नहीं, बट सोमराज इतने ओपन में आए, गलती करी, स्मोक के थ्रू अगर रहते तो बेटर हो सकता था, एंड सारंग इंस्टेंटली नॉक और फिनिश। टीम एंटिटी अब ये भी एक चक्रव्यूह में फंस चुके हैं जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, एक्विनॉक्स के पास एचपी नहीं है, एंड टीम एक्सपार्क अब देखिए किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। इन सब में एक और फाइट, रेवन के खिलाड़ियों ने वन ब्लेड को पूरा खत्म किया है और उनके पास भी वो 8 पॉइंट्स आए हैं, पावर प्ले के हर फिनिश के 2 पॉइंट्स। एक्विनॉक्स तीसरी बार नॉकडाउन हुए हैं इस फाइट के अंदर और टीम एक्सपा के खिलाड़ी ऊपर मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, बर्निंग डाउन सारंग, उनकी एचपी धीरे धीरे कम हुई, लेकिन उनको मलाल नहीं रहेगा, टीम जैसे जैसे ऊपर जा रही है टीम एक्सपा को पता है उनका मोमेंटम बढ़ रहा है। ट्रॉय इकलौता खिलाड़ी बैंडेजेस के सहारे, लेकिन कहीं से एक ग्रेनेड, कहीं से एक मोलोटॉव कहानी खत्म कर सकता है, हालांकि एक उजी और एक स्कारल के साथ फाइट लेना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ऑलराइट, क्या वो मोल्टोव था जो उन्होंने फेंका या फिर एक स्मोक ग्रेनेड था? आई थिंक इनके पोजीशन को किसी तरीके से वो फ्लश आउट करना चाह रहे हैं टीम एक्सपाक, और इसी के साथ वो पुश भी इनिशिएट करेंगे। ट्रॉय एचपी काफी ज्यादा कम है, फिर भी उसके बावजूद डैमेज काफी ज्यादा दिया है, इनफैक्ट स्प्रे गॉड को भी नॉक किया था, बट निंजा जॉर्ड आते हैं, वो ट्रेड निकालते हैं, टीम एंटिटी इनका भी यहाँ पे हमने देखा कि वो फिनिश हो चुके हैं।